नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लाई हूँ पांच राज्यों की बड़ी खबरें। अब कल ही कोर्ट में पेश होंगे सुखबीर बादल और विक्रम सिंह मंजेठिया। पांच ट्रेनी नाबालिग लड़कियों के साथ CLTA स्टूडेंट्स के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में केस दर्ज। CM ने 25,000 बेघर होने के साथ जिला अध्यक्षों को चौकसी बढ़ने के दिए आदेश। हरियाणा में पहली बार 17 विधायक चुनावों से पहले हुए पूर्व विधायक। BBIP बैंक खातों से मोटी रकम उड़ाने वाला मास्टरमाइंड पति अला पुलिस की गिरफ्त में। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। हिमाचल में जिला प्रशासन ने खराब मौसम के चलते कुछ दिनों के लिए रोकी मनी महेश यात्रा। चंडीगढ़ मनाली राज्य मार्ग बहाली के बाद आज खुलेगा, यात्रियों को मिलेगी राहत। दिल्ली में अब भी आतंकी हमले के खतरे मंडरा रहे, खुफिया एजेंसियां अलर्ट। आज दिल्ली वासियों को मिलने जा रही 25 CCTV कैमरे से लैस बसें। अब खबरें विस्तार से। जस्टिस रंजीत सिंह आयोग के लिए अपमानजनक टिप्पणियां करने की शिकायत पर CA प्रधान सुखबीर सिंह बादल और विधायक विक्रमजीत सिंह मजीठिया को हाईकोर्ट ने पेश होने से छूट दे दी है। 21 अगस्त को दोनों को कोर्ट में पेश होना था, इसके लिए पेशी से छूट मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में दोनों की जमानत मंजूर करते हुए कहा था कि दोनों सीनियर राजनेता हैं और उन्हें लंबा सफ़र तय करना है, ऐसे में इस तरह की परिस्थितियों को नज़रअंदाज किया जा सकता था। सेक्टर 10 स्थित CLTA में 3 ट्रेनी टेनिस खिलाड़ियों से शारीरिक छेड़छाड़ करने, धमकी देने के आरोप में ट्रेनी 5 नाबालिग लड़कों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर सेक्टर 3 थाना पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के खिलाफ धारा 354, धारा 354A, धारा 354D, 506 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 10 और 12 के तहत FIR दर्ज कर ली है। भारी बारिश के बाद यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत और करनाल के कई इलाकों में यमुना और मारकंडा की बाढ़ कहर ढा रही है। यमुना में जलस्तर सोमवार शाम खतरे के निशान से 2.5 गुना तो मारकंडा में पानी 2 गुना ज़्यादा रहा। करीब 25,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, वहीं 45,000 से ज़्यादा लोग अपने घरों में ही बंधक बने हुए हैं। हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो गई हैं। हरियाणा में यमुना, मारकंडा, गग्गर और टांगरी नदी के आसपास के इलाके पूरी तरह जलमग्न हैं। हरियाणा में ऐसा पहली बार हुआ है जब 17 विधायकों ने अपनी विधानसभा सदस्यता के से इस्तीफा दे दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जिस तरह से प्रदेश में इस वक्त दल बदल का सियासी खेल चल रहा है, उसी के चलते अधिकांश विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ अन्य पार्टी ज्वाइन कर ली है। एक विधायक का निधन हो चुका है। 2 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। 18 ऐसे विधायक जो चुनाव से पहले ही पूर्व विधायक हो चुके हैं और विधानसभा स्पीकर ने भी सभी के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी व सांसद परनीत कौर के बैंक खाते से 23 लाख रुपए उड़ाने के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पटियाला पुलिस की टीम ने इस मामले में फिनो पेमेंट्स बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। वर्ष 2017 में शुरू हुए इस बैंक की 14 राज्यों में करीब 400 शाखाएं हैं। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार इस पेमेंट्स बैंक के जरिए करीब 200 लोगों के साथ ठगी की गई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सोमवार को रोपड़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पानी का स्तर घटने के तुरंत बाद विशेष सर्वे करवाया जाएगा ताकि पीड़ित किसानों को उपयुक्त मुआवजा दिया जा सके। CM ने पिछले 72 घंटों से मूसलाधार बारिश के साथ हुए नुकसान का जायजा लिया। जिला चंबा में मौसम के बिगड़ते तेवरों के चलते उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। ऐसे में श्रद्धालु आगामी दिशा निर्देश तक यात्रा नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है।
गौरतलब है कि जिला चंबा में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे मणिमहेश के लिए जाने वाले रास्ते में आने वाले नाले का जलस्तर बढ़ने से दुनाली के समीप रास्ता बह गया है। साथ ही अन्य स्थानों पर भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन द्वारा मौसम साफ होने तक यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई है। भारी बारिश की वजह से दवाड़ा के पास क्षतिग्रस्त हुए चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। फोर लेन निर्माण कार्य कर रही कंपनी ने अपनी ज्यादातर मशीनरी को इस काम में लगा दिया है। सुबह सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनों से हाईवे पर जमा हुई 3 फीट तक सिल्ट को निकालने का काम किया गया। अब कंपनी ने टनलों से निकलने वाले मलबों को डंप करना शुरू कर दिया है। जहां से हाईवे टूटा या कटा है, वहां बड़ी मात्रा में भरपाई की जा रही है, ताकि हाईवे पूरी तरह से सुचारू हो सके। भले ही 15 अगस्त ठीक से निकल गया है और दिल्ली पुलिस समेत देश की सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है, मगर दिल्ली में अभी भी आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है। आतंकी दिल्ली में वीआईपी जगहों पर आत्मघाती हमले के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश के खुफिया विभाग से दिल्ली पुलिस को इनपुट्स मिले हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटाने से बौखलाए आतंकी दिल्ली में कभी भी हमला कर सकते हैं। बुधवार को मिलने जा रही दिल्ली वासियों को 37 सीटों वाली नई बसें, जिनमें सुरक्षा के इंतजामों के लिए लगे होंगे 3 सीसीटीवी कैमरे, क्लस्टर स्कीम में आने वाली 1000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसों की पहली खेप के तहत मंगलवार को 25 नई बसों को आज से दिल्ली की सड़कों पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट डिपो से हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना करेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली में करीब 10 साल के बाद नई बसें आई हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।